मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी डील करने जा रही है, जो कि डील होगा 800 मिलियन डॉलर से 900 मिलियन डॉलर का। अगर इंडियन रुपीज में बात करें तो ये होगा 4102 करोड़ का, और इसमें बाय किया जाएगा जस्ट डायल में 60% का स्टेक। और इससे रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है इसके 25 ईयर्स जो ओल्ड मर्चेंट डाटाबेस है जस्ट डायल का, उसको एक्सेस कर पाएगा, और जस्ट डायल में मेजोरिटी स्टेक होल्डर जो है रिलायंस इंडस्ट्री हो जाएगी। और यहाँ पर बात करें तो पहले से जो जस्ट डायल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है VSS मनी, और उनकी फैमिली का जो टोटल स्टेक है जस्ट डायल में 35.5% है। इस डील में रिलायंस इंडस्ट्री कुछ स्टेक बाय करेगा VSS मनी और फैमिली से, और उसके बाद एडिशनल जो स्टेक होगा वो ओपन ऑफर के द्वारा मार्केट से बाय किया जाएगा। जैसा कि बोला जा रहा है 26% स्टेक बाय किया जाएगा ओपन ऑफर से, तो टोटल जो स्टेक बाय होगा वो 60% के अप्रॉक्स, और ये टोटल जो डील होगा 4102 करोड़ का, और इसमें रिलायंस एक मेजोरिटी स्टेक होल्डर हो जाएगा, और जो माइनॉरिटी पार्टनर होगा उसका वो VSS मनी और फैमिली होगा। तो ये ओवरऑल रिलायंस का डील है जस्ट डायल को बाय करने का। अगर रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर की बात करें तो अभी करेंट प्राइस है 2082 रुपीज, और जैसे ये डील होता है तो हो सकता है रिलायंस अपने ऑल टाइम हाई 2365 रुपीज को क्रॉस करके एक नया हाई क्रिएट कर सकता है। जैसा कि जियो में जो डील है वो जियो का डील रिलायंस इंडस्ट्रीज को 1000 रुपये से 2300 रुपये तक लाया था, तो हो सकता है ये डील भी रिलायंस में कुछ तेजी लेकर आए, क्योंकि इससे रिलायंस को एक बहुत बड़ा डाटाबेस का एक्सेस मिलेगा और जस्ट डायल रिलायंस ग्रुप की कंपनी हो जाएगी। अगर जस्ट डायल के शेयर की बात करें तो ये 2015 से लगातार गिरावट देखने मिला था, 2020 में जस्ट डायल अपना ऑल टाइम लो बनाया, और वहां से जस्ट डायल के शेयर का प्राइस काफी तेज रिकवरी गया और अभी 1100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर ये डील हो जाता है रिलायंस के साथ, रिलायंस ग्रुप की ये कंपनी बन जाती है, तो निश्चित रूप से जस्ट डायल के होल्डर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और जस्ट डायल के होल्डर इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। इस तरह से जस्ट डायल और रिलायंस दोनों के शेयर होल्डर के लिए खुशखबरी होगा, ज्यादा खुशखबरी रिलायंस इंडस्ट्री के लिए होगा, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री का जो ग्रुप है वो और बड़ा हो जाएगा, रिलायंस उसकी एक पैरेंट कंपनी होगी। तो रिलायंस का अपना जो बिजनेस है उसके साथ साथ कई सारी ग्रुप ऑफ कंपनियां भी है, तो रिलायंस के शेयर होल्डर के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं, आप लॉन्ग टर्म के लिए निश्चित रूप से बने रह सकते हैं।